What about your own political ambitions? Some people are suggesting now that Arvind Kejriwal has political ambition. Arnab, I have made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा इरवा दिन और इस उपवास में अन्ना हजारे का भी वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं उनकी बराबरी करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और डायबिटीज के हालांकि वो पेशेंट हैं लेकिन 13 दिनों से भूख हड़ताल पर है और इसीलिए अब लोग आश्चर्य कर रहे हैं अचरज में हैं कि केजरीवाल का यह अनशन इतना लंबा कैसे हो सकता है जबकि वो शुगर पेशेंट डायबिटीज के मरीज है अरविंद केजरीवाल बिना कुछ खाए 13 दिन कैसे रहे डायबिटिक केजरीवाल साथियों आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने में बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में देके आ रहे हैं कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस में हम रिपोर्ट दर्ज करा के आ रहे हैं हमने आज अपनी कंप्लेन दी है अगर इस हमने उसमें लिखा है कि कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें चीटिंग हुई फ्रॉड हुआ साजिश हुई फोर्जरी हुई भ्रष्टाचार हुआ ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाए 7 दिनों में अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई तो हम कोर्ट में जाके आदेश लेके आएंगे पुलिस के खिलाफ कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए किस किस तरह के मामले थे मैं एक दो आपको उदाहरण देना चाहूंगा हमारे पास सबूत है कि ये 700 करोड़ रुपए और ले लो ये हमारे पैसे की कमाई है तो आज इन सारी 18 स्पेसिफिक कंप्लेंट आज हम लोगों ने यहां पे दायर की है स्वामी जी के नेतृत्व में स्वामी जी के आशीर्वाद से और हमारा ये कहना है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए इस्तीफे से काम नहीं चलेगा इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए इनको जेल भेजा जाए और इनसे हमारा पैसा वापस लिया जाए इन सारे चोरों से हमारा पैसा वापस लिया जाए तो लगाया कि आप सारी घोषणाएं तो कर रहे हैं लेकिन जो शीला दीक्षित का करप्शन और उनके मंत्रियों का करप्शन उस पर आप खामोश बैठे हुए हैं तो बात कर रहे हैं कि खामोशी का क्या मतलब निकाला मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा सारे सबूत भेजे और मैं तुरंत जांच कराऊंगा 2 घंटे के अंदर जांच संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन